गर्मियां हो या सर्दियां, सोलन में पानी की किल्लत हमेशा बनी रहती है। ये जल संकट नगर निगम के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से हमेशा बना रहता है, जिसकी वजह से सोलन शहरवासी हमेशा परेशान रहते हैं। लेकिन नगर निगम के कर्मचारी शिकायत के बावजूद भी टांग पर टांग रखकर कुमकर्णी नींद सोए रहते हैं। ये आरोप शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद ने नगर निगम सोलन पर लगाए। उन्होंने कहा कि सोलन में पानी का संकट केवल लीकेज की वजह से आता है, जिस पर नगर निगम के चुस्त कर्मचारियों की कोई पकड़ नहीं है। अगर एक बार पाइप से पानी लीक हो जाए तो वह महीनों तक सड़कों पर व्यर्थ बहता रहता है, लेकिन नगर निगम के लापरवाह कर्मचारी उस पर कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाते हैं। ऐसी ही घटना सोलन के शूलनी चौक पर हुई है, जहां पानी कई महीनों से सड़कों पर बह रहा है, लेकिन अभी तक लीकेज को बंद नहीं किया गया। शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद ने कहा कि शूलनी चौक पर पीने का पानी कई दिनों से व्यर्थ जा रहा है, जिसको लेकर कई बार नगर निगम के अधिकारियों को सूचित किया गया। कर्मचारियों ने औपचारिकताएं पूरी करते हुए सड़कों पर 3-4 जगह बड़े बड़े गड्ढे बना दिए। बहता पानी तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन पानी के साथ साथ वहाँ के लोगों को गड्ढे की समस्या से भी जूझना पड़ा। एक समस्या ठीक करवाते करवाते दूसरी समस्या खड़ी हो गई। लोग गड्ढों में गिरने लग गए, गाड़ियां फंसने लग गई। दुर्घटनाओं के चलते गड्ढे तो बंद कर दिए, लेकिन जिस पानी की लीकेज को रोकने के लिए गड्ढे किए थे, वह समस्या महीनों से जस की तस बनी रही। उन्होंने कहा कि शहर में पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। पानी पीने को नहीं मिल रहा, लेकिन सड़कों पर पानी व्यर्थ जरूर बह रहा। इसके लिए वे चाहते हैं कि इस समस्या का जल्द से जल्द हल किया जाए। कंडा घाट ब्लॉक में एक कार्यशाला का प्रोग्राम रखा गया। इसमें 26 सारी पंचायतों के प्रधानों को, वार्ड मेंबरों को यहाँ पे कार्यशाला के लिए अवगत कराया गया। सभी यहाँ मौजूद हुए। स्वच्छता जल 22/3/2021 को होना है, उसके बारे में भी अवगत कराया गया। इसमें प्रधानों को यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आज गंडाघाट ब्लॉक में 26 पंचायतों के प्रधानों को बुलाया गया और उनको पानी के बारे में अवगत कराया गया। फील्ड टेस्ट किट दी गई और उनको विस्तार से समझाया गया।